तो भाई ये है ओल्ड बुखारा टाउन। ये यहाँ पे पूरी ऐसी मार्केट है, सुवनियर्स, कपड़े, ये वो फलाना ढिमकाना सब मिलता है भाई यहाँ पे। और शाम को तो ये जगह इतनी मजेस्टिक लगती है, मतलब बातें ही छोड़ दो, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टेम्पू हैं। ओह, वी गोइंग नाउ टू द मीनार, थैंक यू ब्रदर। या तो भाई ये इधर ऑटो वाला भाई अपना, ये हमको दोपहर को छोड़ के आया था। तो ये देखो यार, काफ़ी खूबसूरत है भाई, मज़ेदार, क्या बात है। मतलब जब सूरज छुप रहा होता है ना, जो तब उस टाइम लाइट होती है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि बातें छोड़ दो। Look who's here. How's it going, mate? Hey, good. How are you? What's happening? Yeah. Just walking around. It's so hot. Okay. Yeah. अरे भाई, दोस्त मिल गया था और हम फटाफट रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारा सनसेट ना मिस हो जाए, तो होपफुली नहीं होगा। और भाई शाम को तो ये बाजार इतना ही खूबसूरत लग रहा है भाई, जिधर मर्जी कैमरा घुमा लो, आंखें घुमा लो, इतना खूबसूरत शहर है भाई ये। भाई इस तरह का सनसेट है भाई, अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। मीनार के पास तो पहुंच गए हम, वो देखो दूर से दिख रहा है। ओके, विच व्हाट्स द नेम ऑफ द होटल? मैन, द सनसेट लुक्स मैजिकल टुडे, लुक एट दैट। But don't be too disappointed if we somehow miss it. Tomorrow we will nail it because we have tomorrow evening. Then we have to be on time. Yes. No, tomorrow we're going to sit here like after 3 p.m. we're going to be here. We're not going to move. You watch the sun until it goes down. Yes. Yes. Bhai, ye to aisa bazaar hai na yaar. Kuch bolne ka hi nahi man kar raha. हर तरफ यार, मुझे तो ऐसी सेटिंग बहुत ब्यूटीफुल लगती है, आप लोगों का पता नहीं, आई थिंक सबको ब्यूटीफुल ही लगेगी। बहुत बढ़िया सेटिंग है यार, हर तरफ इतना मज़ा आता है ना, चल के ही मतलब फीलिंग आ रही है, और तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे यार बहुत इंटरेस्टिंग बंदे मिले मुझे इस ट्रिप पर, अभी तक बहुत ही बढ़िया रही है। सब अलग अलग कंट्रीज से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, और अच्छे पर्सनैलिटी के हैं, मतलब टॉकेटिव बंदे, मतलब मज़ा आ जाता है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। देखते हैं, वो सामने है रेस्टोरेंट जहाँ हम जा रहे हैं, वो दिख रहा है आप लोगों को, तो वहाँ पे जा रहे हैं, होपफुली अच्छा सनसेट दिख जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे कल इवनिंग को भी हम यहीं पर हैं, अगर आज नहीं होगा तो कल कर लेंगे, बट लेट्स सी। तो भाई सनसेट स्पॉट पर हम पहुँच गए हैं, देखते हैं सनसेट किधर को है। Is this the same cafe? No, it's not. We're at the wrong one. भाई पता नहीं किस कैफे पहुंच गए, बट एनी वे बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सनसेट है यहाँ से भी। तो भाई अभी अगली रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम गलत में घुस गए और यहाँ पे कोई सनसेट वगैरह नहीं था। अभी कहीं और जाके देखते हैं क्या सीन है। वैसे सनसेट तो हो चुका है आज, तो मिस ही हो गया 90%। या ओके भाई, फाइनली पहुंच गए हैं जो ये सनसेट वाला रेस्टोरेंट है, देखते हैं क्या है। सनसेट तो वैसे मोस्टली निकल ही चुका है। ओह मजेस्टिक, अच्छी रूफ बनी हुई है, टिपिकल उज़्बेकी स्टाइल की, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आगे जाके देखते हैं भाई, स्टेयर्स भी काफ़ी मजेस्टिक हैं। सही है, काफी अच्छा होटल लग रहा है भाई। ओके भाई, रेडी हो जाइए सनसेट के लिए।
The next morning. Good morning. तो अभी यार आज बुखारा छोड़ के जाएंगे और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस जगह को आज गुड बाय कहेंगे. तो दैट्स इट. यहाँ पे मैं रह रहा था, आपको शुरू में दिखाया ही था. और तो बस यही है, ये अपना कमरा था भाई. लगेज वगैज अपना पैक हो चुका है, ठीक है. तो वैसे आज एक और दिन है बुखारा में, तो और एक्सप्लोर करेंगे. मेरी बस है रात को और मैं वापस जाऊंगा ताशकंद. और आप सोचेंगे ताशकंद क्यों, क्योंकि ताशकंद में मैंने अपना किर्गिज़ वीज़ा अप्लाई कर रखा है. तो उसको मैंने मंडे को एक्सेप्ट करना है, मतलब लेना है. मतलब बस सारा प्रोसेस हो चुका है, बस उसको लेना है. तो बस यही सीन है. और बस वीज़ा लेते हैं मंडे को. बीच में सैटरडे है, सैटरडे को ताशकंद में रहेंगे संडे को. और अपना वीज़ा ट्यूसडे को मिल जाएगा. फिर अपना अगले का आगे का प्लान है तजिकिस्तान का. तो देखते हैं, तजिकिस्तान निकलते हैं भाई, देखते हैं कैसा कंट्री है. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लोर कर रही है. एक और सिटी है, मैंने वैसे यहाँ पे दोबारा वापस आना है उज़्बेकिस्तान में, तो शायद उसको एक्सप्लोर करेंगे. बट बहुत से लोगों ने कहा आप स्किप भी कर सकते हो, तो चलो वो तो देखते हैं, बात की बात है. अभी के लिए यहाँ से चेकआउट करते हैं भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर मैं निकलता हूँ, सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. दैट्स इट. वन आवर लेटर. ओके भाई, हम हॉस्टल से बाहर आ गए हैं और अभी हम घूमते घूमते एक पार्क में पहुंचे. और यहाँ पे एक स्पेशलिटी आइसक्रीम है, ये मेरे साथ अल्जीरियन जो अपना भाई कल से घूम रहा है इसने बताया, तो अभी हम वो खाएंगे. ये रही वो आइसक्रीम. यू वांट दिस वन टू? तो देखते हैं क्या सीन है भाई. यस यस. कुकी और कप? कुकी और कप. भाई एक मिनट, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कौन सी आइसक्रीम लेनी है, रुको. तो ये रही भाई आइसक्रीम. अपन अल्जीरियन बंदे से पूछते हैं कि ये इसका क्या सीन है. सो व्हाट स्पेशल अबाउट दिस आइसक्रीम ब्रदर? इट्स अ सोवियत आइसक्रीम. A Soviet ice cream. Special flavor, unique flavor. Unique flavor. For me, it's unique because I've never tasted this before I came to this place. Okay. तो भाई ये सोवियत तरह की आइसक्रीम है, इसका फ्लेवर बहुत यूनिक होता है. वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कुकीज़ एंड क्रीम जैसा होगा, तो देखते हैं. एनीवे भूख लगी हुई थी तो थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेते हैं. और तीसरी आइसक्रीम अभी बन रही है और ऐसे इसको रखते हैं भाई टब में. बढ़िया. तो भाई भी हंस रहा है, कहता पूरी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है आइसक्रीम की. चलिए इसको खाते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कहाँ को निकलना है. ओके भाई, अभी अपन निकल चुके हैं आउट ऑफ बुखारा के लिए. हमने दोबारा कल वाली टैक्सी ले ली है और अल्जीरियन भाई अपना साथ में है और अल्जीरियन भाई भाई की वाइफ भी साथ में है. तो भाई अभी निकल रहे हैं, देखते हैं आउट ऑफ बुखारा कैसा रहता है. चलो. ओके भाई, हम पहुँच चुके हैं आर्क ऑफ बुखारा. ये यहाँ का एक छोटा सा फोर्ट्रेस है और 8वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था. सबसे पुराना मॉन्यूमेंट है भाई ये आर्कोलॉजी का, यहाँ का लिखा हुआ है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1920 से पहले तो ये बुखारा के जो रूलर थे ना, यहाँ के राजा वाजा, उनका रेजिडेंस होता था ये, बट उसके बाद बदल गया. तो अभी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अंदर जाके देखते हैं कितने की टिकट है और क्या सीन है, कैसा है ये फोर्ट्रेस. तो भाई किले में घुस चुके हैं और ऊपर को थोड़ा सा जा रहे हैं. और सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे एक प्रिजन बनी हुई है भाई. और प्रिजन में दिखाया गया कि कैदियों को कैसे रखते थे. फ़नी चीज़ है, किले में घुसते ही कैदी सबसे पहले, कोई बढ़िया सी चीज़ होनी चाहिए, बट यहाँ पे कैदी रखे हुए हैं. आपको दिखाते हैं प्रिजन कैसे. तो ये रहा भाई प्रिजन. ये ऐसे भी हो सकता है कि इन्होंने नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन किया हो कि प्रिजन कैसी थी, एक्चुअली यहाँ पे प्रिजन ना हो, बट वी डोंट नो, मे बी प्रिजन ही थी. तो आगे देखते हैं. ये एक और कमरा है भाई प्रिजन का, ये पता नहीं बैठे यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेचारे. तो एक साइड पे इन्होंने प्रिजन टाइप बनाया हुआ है और एक साइड पे इन्होंने ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं. बीच में कुछ शॉप्स भी हैं भाई. तो ठीक है, अभी ये टिकट एंट्री है, इनको टिकट दिखाते हैं एंड उसके बाद आगे निकलते हैं. इसका सेवर. थैंक यू. ये रहा भाई आर्क, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे. तो यार ये पैलेस का एक एरिया है, काफ़ी पुराने से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है. इसके ये जो पिलर्स हैं ये भी काफी. Pardon?
भाई ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं, दोनों अल्जीरिया से हैं, मैंने इनको मिला दिया अभी अपनी भाषा में, पता नहीं क्या बलबल बलबल वही कर रहे हैं बातें। तो यार ये फर्स्ट कमरा है यहाँ का, और यहाँ पे कुछ पुरानी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। ये क्या देखते हैं भाई, कुफरी 8th century, पुरानी कुरान है भाई, लंगर कुरान 8th century की है। और ऐसी और भाई किताबें हैं, शायद रिलीजियस हों या हिस्टोरिक हों। ये क्या भाई, ये भी कोई पुरानी किताब है यार। तो दैट्स इट, यहाँ पे प्रिटी मच बस यही है, और एक दो पेंटिंग्स हैं यहाँ पे पुरानी डिपिक्ट की हुई, और उसके अलावा यहाँ पे एक पुराना स्टेयर केस है यार, ये भी हिस्टोरिक है। ये आई थिंक ना कोई किंग वगैरह को अपने जब अपने सिंहासन की तरफ जाता होगा उसके लिए बनाया होगा। और नहीं, ये प्रीचिंग के लिए भाई, अर्ली 20th century में बना हुआ, तो उसको प्रीचर यूज़ करते थे। और कुछ कुरान की कॉपीज रखी हुई हैं उधर, और अभी देखते हैं इधर क्या बैक में क्या सीन है। बस कैट आउट फ्रॉम हियर। तो भाई ये है किले से व्यू पूरे बुखारा शहर का, मतलब बुखारा की एक साइड है, और वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद में नमाज चल रही है, और ये इधर एक वाटर टावर बना हुआ है। और अभी किले की दूसरी तरफ निकलते हैं, उधर देखते हैं क्या है देखने वेखने के लिए। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी सुराहियाँ रखी हुई हैं भाई, पुराने टाइम में इनको पानी वानी या फिर दारू वारू जो भी है चलो उसको उसके लिए यूटिलाइज़ किया जाता था। काफ़ी एंशियंट लग रही हैं ये, तो चलो अभी आगे जाके देखते हैं। और भाई सुवनिया शॉप्स हैं यहाँ पे एज़ यूजुअल, हर जगह पे ही होती हैं हर अट्रैक्शन में। और मैंने यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखी कि आप मतलब यहाँ पे ना छोटी छोटी कुरान की कॉपीज पड़ी हैं भाई, आप उनको भी ख़रीद सकते हैं। ये देखिए ये सारी छोटी छोटी कुरान की कॉपीज हैं भाई, इनको आप ख़रीद सकते हो। बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि कुरान यार देखो होली बुक है, मतलब ठीक है ना, तो इसको आई थिंक ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी टूरिस्ट आके हाथ लगा रहा है, पता नहीं मतलब, क्योंकि अभी हम ह्यूमंस हैं, सच्चाई तो यही है ना, कहीं इधर उधर हाथ लगाए होते हैं, साफ़ नहीं होते, या फिर आपका माइंड में कोई अच्छे प्योर विचार नहीं होते, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे कोई भी आके टच कर पाए, मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होना चाहिए, बट ठीक है यार जो भी कल्चर है। मैं तो अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ। ओके भाई, अब आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार, जो हम सबकी माएँ हम पे यूटिलाइज़ करती हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है भाई, जिस जिसके पड़ा हुआ है उसको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आगे जा रहे हैं, यहाँ पता नहीं कोई फ़ोटोशूट चल रहा है या कोई शादी वादी होगी, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ कुछ बैगी है भाई, मे बी शादी के लिए तैयार कर रहे हैं कुछ। हाँ, वी गो इन हियर इनसाइड, चलें। Let's go. तो भाई ये हैं कुछ बैगी जी, ठीक है, यहाँ के कोई राजा होंगे, एम्बेसी, लो भाई पढ़ लेना यार। ठीक है चलो आगे चलते हैं। क्या है, दिस इज ऑल क्लोज्ड, this was supposed to be open, it's closed right now, that's closed, okay then, department of nature. to bhai yahan ka department of nature hai, dekhte hain yahan pe kya hai. bhai uzbekistan ka pura jhanda with different districts, to chalo kam se kam yahan pe ac laga hua hai, ac ki hawa ka anand lijiye, main bhi leta hu. कोई डायनासोर वगैरह बना रखे हैं यार, तो आई थिंक ये डायनासोर इसी एरिया में होते थे पहले, मे बी उज़्बेकी डायनासोर्स हैं ये, उनके आगे पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो भाई यहाँ पे मिनरल्स वगैरह के लिए भी सारा बताया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट कौन कौन से मिनरल मिलते हैं यहाँ पे, उस टाइप का सामान। चलो ये तो मैं अभी खुद ही एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों को, तो क्या ही इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आपको क्विकली दिखा देते हैं, इकोलॉजी दिखाई हुई है यहाँ पे थोड़ी सी, कि कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं उज़्बेकिस्तान में, ऐसी चीज़ें। ये बच्चा बड़े ध्यान से आ देखते भाई। तो ये क्या है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, व्हाट इज दिस, यू नो,
ओके। तो भाई ये कॉटन फार्म्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में कॉटन बहुत पाई जाती है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिफरेंट प्लांट्स। और एक फ़नी चीज़ बताता हूँ कि म्यूज़ियम के बीच में खाना पड़े, बहुत ही अजीब सी बात है। और यहाँ पे आई थिंक म्यूज़ियम का स्टाफ बैठा खाना खा रहा है। ओके पता नहीं इनका, मुझे इन्होंने देख के एकदम मना कर दिया, इनको हुआ कि भाई हमें तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे इनको अपनी जॉब करनी चाहिए, खाना वाना खा रहे हैं म्यूज़ियम में ही बैठे, चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये यहाँ के जानवर हैं, बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ जो यहाँ पे मिलते हैं यहाँ के इकोसिस्टम में। कोई ख़तरनाक तो जानवर नहीं है वैसे, वॉल्स वगैरह और लोमड़ी हो गई, भेड़ टाइप छोटे मोटे जानवर हैं, मतलब कोई बिग प्रेडेटर तो नहीं मुझे दिख रहा। चलो दैट्स इट। बट भाई यहाँ पे ईगल्स बहुत बड़ी हैं, वो देखिए, ये देखिए काफ़ी बड़ी ईगल्स एंड वल्चर्स हैं यहाँ पे भाई, ख़तरनाक भी लग रहे हैं काफ़ी, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रहा है। तो भाई ये ना यहाँ का थ्रोन हॉल है, थ्रोन हॉल मतलब राजा यहाँ पे बैठता था और यहाँ पे उसकी वो जो भी होता है सभा लगाई जाती थी। तो सही है, मैं आगे पहुँच के आपको सिंहासन भी दिखाता हूँ राजा का, और पीछे से पूरा हॉल दिखाता हूँ जैसे हम पुरानी मूवीज़ में देखते हैं ना, थोड़ा सा वैसा ही है। ओके पहुँच गए हैं भाई, ये रहा सिंहासन। सिंहासन पे एक तलवार भी रखी हुई है, पता नहीं असली राजा की है, पता नहीं वैसी रखी हुई है। और ये रहा भाई पीछे पूरे का पूरा हॉल। तो यहाँ पे सभा लगती थी ऐसे, इधर आई थिंक इम्पोर्टेंट लोग शेड में बैठते होंगे और यहाँ पे अलग और तरह के लोग बैठते होंगे। अरे भाई ऊपर देखो यार, रूफ़ में ना उज़्बेकिस्तान में जो कारीगरी की जाती है भाई, मतलब मैं तो हर बार बहुत सरप्राइज़ हो जाता हूँ, कितना टाइम लगता होगा भाई इसको करने में। इमेजिन अभी ये देखिए आप, कितना माइन्यूट आर्ट वर्क किया हुआ है भाई, मतलब मज़ेदार। और ये देखो आप, ज़बरदस्त यार, सही चीज़ है ये। वैसे देखो पहले इन्होंने पत्थर के बनाए हैं और फिर उसके ऊपर ये लकड़ी टिकाई हुई है ये इन्होंने, तो ऐसे है। और दैट्स इट, ये है यहाँ का पूरा सीन। अभी आगे देखते हैं क्या चीज़ है भाई, आधी चीज़ें तो यहाँ पे बंद ही हैं भाई। अब ये लास्ट थोड़ा सा एग्जीबिशन कमरा है इस फोर्ट का, और तो यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त नहीं था। ये देखिए पुरानी ढाल रखी हुई है और थोड़ा सा तीर अंदाजी का सामान रखा हुआ है। ये भाई सिर पे डालते थे किसी टाइम, ये जो बना हुआ है ये सिर पे डालने के लिए। और ये क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज दिस गाइस, इट्स अ शीशा। रियली, व्हाट काइंड ऑफ शीशा इज दिस भाई, ये बहुत पुराना कोई शीशा है, इसमें से शीशा पीते थे। ये देखो लिखा हुआ है इस पर, क्रेजी है भाई, ये कैसा शीशा, मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक ऐसा शीशा। चलो कुछ ऐसा खास नहीं लगा यहाँ पे, तो इसको तो आप लोग स्किप ही कर सकते हैं, अनलेस आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उज़्बेक की हिस्ट्री में तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए पुरानी किसी सोल्जर की ड्रेस है भाई प्रॉपर, ये सारा लोहे की जाली से बना होता था ताकि मतलब हथियार वगैरह से बचा जा सके, जो भी वार वगैरह होते हैं इन पे। तो ठीक है, ये थोड़ी सी तोपें बनाई हुई हैं भाई और थोड़े से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, कोई पुराने वाले, डफली वफली पड़ी है भाई, हम तो डफली कहते हैं इसे इतने छोटे ड्रम कौन बजाता भाई, शायद बच्चों बच्चों के लिए हो या फिर रेप्लिका हो सकता है। एक ड्रेस यहाँ पे पड़ी है, ये क्या चीज़ है, कुश काश कुल, गाइस व्हाट इज दिस, एनी आइडिया, उज़्बेकिस्तान, हिंदुस्तान, फ्रेंड्स, यस, really they just put a random stick right here, I don't think, and it looks mutated, it's like has some virus infection or something on it. It looks like it has a tumor or something. Okay, but English, yes, assalamu alaikum, yes, okay, rahmat, bye bye, bye bye.
तो भाई कह रहे हैं ये लकड़ी है, सॉरी मैं बच्चे से बात करने लग गया था, लकड़ी है कहते हैं चलने के लिए। मुझे वैसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, पर चलो जो भी है ठीक है। अच्छा भाई ने अभी गूगल पे, तो इस लकड़ी के बारे में भाई ने अभी गूगल पे सर्च किया है, और भाई चलने के लिए स्टिक है, बड़ी ख़तरनाक स्टिक है जिसने भी रखी हुई है। चलो ठीक है, ये देखो यार कितना बड़ा बना हुआ है पानी के लिए। हुई इसमें से राजा वाजा पानी पीते होंगे, ये देखो। सही है, चलो बस ख़त्म हो गया यार ये पैलेस। अभी एक डेढ़ बज गया, रात की 11:30 की हमारी बस है, अभी कहीं पे जाके चिल मारेंगे, कोई एक आधा और अट्रैक्शन हुआ वहाँ पे जाएंगे, बाकी रिलैक्स ही डे आज होने वाला है, और कल सुबह मैं ताशकंद पहुँच जाऊँगा। तो दैट्स इट। लेटर दैट सेम इवनिंग A few hours later. हमारी बस का टाइम हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ ताशकंद के लिए। ये हैं हमारे बॉब भाई, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है भाई, बॉब हैदर गेस्ट हाउस। अगर आप बुखारा में आते हो तो मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ है। बाय बॉब, थैंक यू सो मच ब्रदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चलो भाई अभी टैक्सी की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। मेरे फ्रेंड्स चले गए हैं, मैं सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे अभी। टैक्सी का नंबर 026VA। टैक्सी में बैठ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम बस स्टॉप पे, वहाँ पे अपनी बस मिलेगी, उसके बाद सोएंगे भाई, कोई व्लॉगिंग नहीं होगी। अगर कहीं पे बस रुकी तो आपको दिखाएंगे कि क्या सीन होता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर पंगा होगा, वेजिटेरियन फूड का मिलेगा नहीं, और आपके भाई के पास आज कुछ नहीं है, कोई चिप्स नहीं है, कुछ नहीं है भाई। तो देखते हैं क्या बनता है, कैसे पहुँचते हैं ताशकंद। ओके भाई ये है अपनी बस ताशकंद की, ब्रांड न्यू बस है, तो अभी मैं बैठने जा रहा हूँ भाई। बस में बैठ गए हैं, नई बस है वैसे, बट पंगा ये है, ये जो ऊपर जगह बनी हुई है ना सामान रखने के लिए, कह रहे हैं टांगों के बीच में अपना बैग रखो, तो रख दिया भाई, सबको ही कह रहे हैं वैसे, कल मुझे नहीं कह रहे, थोड़ा सा वियर्ड है, नई बस है शायद इसलिए, चाइनीज़ कंपनी की बस लग रही है, जोंग टोंग पता नहीं क्या लिखा हुआ। तो anyway, ठीक है कोई बात नहीं, 7-8 घंटे का सफ़र है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर जगह बनी हुई है तो रखने देना चाहिए यार, बकवास है। चलो सुबह शिमकन, अभी सॉरी ताशकंद पहुंच जाएंगे, और सुबह बताते हैं फिर आप लोगों को। भाई अपनी बस रुक गई है थोड़ी देर के लिए, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के लिए रुकी है, और अभी टाइम हुआ भाई 2:50 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं सुबह के। तो ये वैसे बस में ये देते हैं, एक ये दिया भाई, और क्या दिया, एक ये दिया भाई, कुछ चॉकलेट टाइप, और ये हाथ साफ़ करने के लिए वेट टिश्यू, और एक छोटी पानी की बॉटल है भाई इसमें। तो सही है यार, काफ़ी अच्छी बस है, मैं इसकी डिटेल्स वगैरह डाल दूँगा, अगर आप लोगों ने बुखारा से शिम अपने समरकंद से इधर आना हो ताशकंद, या फिर ऐसे किसी राउट पे, तो अच्छी बस की कंपनी है। और मैं तो बाहर नहीं जा रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट ये गाने चलते रहते हैं पूरी रात, अभी देखो रात की बस है, अभी चल रहे हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सोना थोड़ा सा ईजी हो जाता है।